हिमाचल कैबिनेट की बैठक में देहरा के एसपी और पीडब्ल्यूडी एससी ऑफिस खोलने का फैसला लिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहे हैं और इन उपचुनाव के अधिसूचना जारी होने के पश्चात वहां आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि आज हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक होती है और बैठक में फैसला लिया जाता है कि देहरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देहरा में एसपी ऑफिस खोला जाएगा। इसकी अधिसूचना हम बाद में जारी करेंगे, टेक्निकल और इसकी फंक्शनल फॉर्मेलिटीज बाद में करेंगे, लेकिन ये हमने एक निर्णय ले लिया कैबिनेट में कि देहरा में एसपी ऑफिस यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक ऑफिस खोला जाएगा। और इसी के साथ दूसरा फैसला और लिया गया और वो फैसला ये लिया कि देहरा के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी का सर्किल खोला जाएगा, एससी पीडब्ल्यूडी का दफ्तर भी वहां पर खोला जाएगा। और शायद मुझे लगता कि आज तक के हिमाचल के इतिहास में कभी भी इस प्रकार की बात नहीं हुई। जब आचार संहिता लगी हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उस विधानसभा क्षेत्र में जहां चुनाव हो रहा है वहां पर संस्थान खोलने की घोषणा की जा रही है, इससे मालूम पड़ता है कि कांग्रेस बहुत बौखलाहट में है। हर हालत में इस चुनाव को गलत तरीके से जीतने के लिए हथकंडे अपना रही है और मैं इसमें आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा चुनाव आयोग से विशेष तौर से कि वो इस सारे मामले कि सारी जानकारी हासिल करें और हासिल करने के पश्चात जो कार्यवाही बनती है सरकार के खिलाफ वो कार्यवाही करें, क्योंकि ये खुल्लम खुला एक तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। और इसलिए इन सारी बातों को अगर कांग्रेस ने करना भी था, अगर डेवलपमेंट का उनके दिमाग में इतना ही ख्याल था तो पिछले 16 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सरकार बनने के पश्चात ये सर्कल भी खोला जा सकता था, पीडब्ल्यूडी का एसपी का ऑफिस भी खोला जा सकता था, लेकिन बिल्कुल चुनाव को जीतने के लिए जिस प्रकार से ये घटिया हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है सरकार, इसकी मैं निंदा करता हूँ। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।